बरसात के मौसम को देखते हुए शनिवार को एक संस्था के द्वारा पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस के सभागार में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को रेनकोट का वितरण किया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने बताया कि बारिश के मौसम में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे ट्रैफिक पुलिस के जवानों को बारिश की वजह से इधर उधर छुपना पड़ता है। उन्होंने कहा ट्रैफिक पुलिस के जवानों को रेनकोट मिल जाने से ड्यूटी करने में आसानी होगी। एसपी ट्रैफिक ने संस्था के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा कार्य सभी संस्थाओं को आगे आकर करना चाहिए, जिससे किसी की मदद हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने कहा, हमारे आज के एसपी ट्रैफिक सर श्री राम सेवक गौतम सर का, हमारे सारे पुलिस कर्मी और ट्रैफिक कर्मियों का स्वागत है, हमारे सारे पास्ट प्रेसिडेंट्स जैसे गोरखपुर मेट्रोन के और सभी सदस्यों का। इसी कड़ी में मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रेसिडेंट सर का कि वो आके ओपनिंग रिमार्क्स दें। सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम सर का, साथ ही साथ जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जो धूप बरसात बिना मौसम की परवाह किए हम सभी लोगों की रक्षा करते हैं, हमारे पुलिसकर्मी भाई लोग, हमारे मीडिया बंधु, जेसी मेंबर्स, हमारे सारे पास्ट प्रेसिडेंट्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि राम सेवक गौतम सर से कि कृपया दो शब्द हम लोग के प्रोत्साहन के लिए। संगठन के सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे पुलिस लाइन के लाइन साहब, हमारे जनपद के ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहबान, हमारे उपस्थित सभी पुलिस कर्मीगण और हमारे सभी सम्मानित मीडिया के साथियों, ये संस्था बहुत ही पुरानी है और संस्था के कार्यों को मैंने कई बार देखा है। जनपद अयोध्या में भी मैंने इनके कार्य में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, शरीक हुआ था, और आज पुलिस लाइन में भी बरसात के मौसम में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे पुलिस के कर्मी हैं, उनके लिए रेनकोट की सुविधा उपलब्ध इनके द्वारा कराई जा रही है। निस्संदेह इनके कार्य सामाजिक हित में हमेशा चलते रहते हैं। मैं इनके सभी पदाधिकारियों का निश्चित रूप से पुलिस लाइन परिसर में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आगे के दिनों में भी अन्य विविध सामाजिक कार्यों को इसी मनोयोग से करते रहेंगे, जिससे जनपद में निश्चित रूप से इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहे और निश्चित रूप से सामाजिक कार्यों में एक गति मिले। मैं पुनः इन सभी को पुलिस परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। रंगेट आ गया तो शाम को काफी डिस्ट्रीब्यूट करते पुलिस लाइन के सभागार में जेसीआई संगठन के द्वारा रेनकोट उपलब्ध कराए गए, जिनको कर्मियों में वितरित किया गया और इनके द्वारा तमाम सारे सामाजिक कृत्य किए जाते हैं। उसी कड़ी में आज इन्होंने जो है मीडिया के कर्मियों को भी, पुलिस कर्मियों को भी
रेनकोट उपलब्ध कराए, तो मीडिया के सभी कर्मियों को उपस्थित और वह हमारे जो पुलिसकर्मी थे उनको वितरित किया गया। और निश्चित रूप से इनका जो कार्य है एक सामाजिक कार्य सराहनीय है और ये आगे भी पूर्ण मनोयोग के साथ ऐसे कर्तव्यों को करते रहेंगे जिससे समाज में और अधिक जो सामाजिकता और जो भी सामाजिक कृत्य हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे।